हेलो बच्चा बाटे, वेलकम टू एंकर बाटे यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज अपन देखने वाले हैं त्रिकोणमिति समरूपी का क्लास 10 का जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 1 देखा था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज अपन फोड़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सवाल। अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 सवाल दिया है ना वो बनता नहीं है। तो आज टेंशन ना, आज टेंशन आलो, अपने आप को एकदम कमर कस के बैठ जाओ, आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन का 1 by 1 पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये जो आपका जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट करूं बच्चा, मैं आपको बोलूंगा कि भैया थोड़ा लाइक वाइक कर लो यार, तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो दोस्तों के बीच, ताकि जो 2024 का जो मैराथन दौड़ है उसमें अपन बहुत बड़ा बड़ा फोड़ पावे, है ना। इसीलिए मजा थोड़ा सा, मतलब सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह करो अपने दोस्तों के बीच, बड़ा कंजूसी करते हो, लगता है तुमको पैसा लग रहा है, करो थोड़ा सा। चलो मुझे उम्मीद है आप करोगे, तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं वीडियो के ऊपर और एकदम चिल होकर बैठना, ठीक है। आपके सारा डर को खत्म करने वाले, सारा डर जो घर बना के बैठा है खोपड़ी में, ये सारा डर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी सवाल है ना उससे दूर हट जाएगा, आपके बीच कैलाश आ चुके हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमिका है सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब ये जो थीटा जो दे रखा है ना बच्चे बेटे, ये क्या कह रहा है, ये न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण के लिए। तो चलो पोस्टमार्टम करते हैं इसका 1 by 1। तो कह रहा है इतना बार इतना सिद्ध करके बताओ, तो कर देते हैं। इसमें दो तरीका है बच्चा, आप तो क्या करो आरएचएस को एलएचएस लेके आ सकते हो, मतलब दाया पक्ष को बाया पक्ष कर सकते हो, या बाया पक्ष को दाया पक्ष कर देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कोशिश यही रहेगा कि दाया पक्ष को बाया पक्ष को दाया पक्ष करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो यहां पे क्या है, कोस थीटा है ना, यहां पे कोस थीटा है और यहां पे कोस थीटा है, यहां पे कोट थीटा है। तो आप क्या करोगे कोस थीटा लाने के लिए, आप क्या कोस थीटा को कोस थीटा में रखेंगे तो काम चलेगा, जी नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, कोस थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे, और इसी तरह कोट थीटा को बच्चे बैठे क्या लिखोगे आप, कोस थीटा बटे साइन थीटा। फॉर्मूला पता है ना आपको, फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए। और एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि टॉपर के लिस्ट में आए, ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूलाए जो भी अपन इस्तेमाल करेंगे ना किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, सारा फॉर्मूला 1 by 1 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे आपने दो फॉर्मूला इस्तेमाल किया, पहला था हमारा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और दूसरा था हमारा बच्चे बाकी कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन। तो ये हमारा दो फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका भिन्न का जोड़ लेंगे। तो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर में आएगा 1 - cos थीटा और इसका वर्ग, ठीक है। अब ये जो वर्ग है बच्चे बाटे, इसको क्या करेंगे, अलग अलग दे देंगे, 1 - cos थीटा का भी वर्ग दे देते हैं, और नीचे साइन थीटा का वर्ग करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात आपको समझ आया। अब आप देखो क्या करोगे, हमको चाहिए क्या, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। तो आप देखो 1 - cos थीटा जो कि आपको चाहिए ऊपर में दिख रहा है, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसको भी करना है कोस थीटा के रूप में। तो कैसे करोगे बच्चा, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हमारे पास है, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। अब क्या करोगे आप, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना, 1 का स्क्वायर 1 × 1 तो वही नहीं आएगा। अभी देखो क्या है, a + b a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a + b * a - b, तो मैं वही बात कर रहा हूं, a + b * a - b, ठीक है बच्चे बेटे।
और यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो आप वन माइनस कोस थीटा से एक वन माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा वन माइनस कोस थीटा, क्योंकि एक कट गया दो था एक तो बचेगा, और नीचे क्या बचेगा वन प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये दो हमारे पास बच्चा, और यही तो चाहिए था, देखो आप यही चाहिए था, बराबर हो गया बच्चा बेटे आर एच एक्स जो कि हो गया हमारा। क्या मजा आया कि नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर था, और प्रत्येक क्वेश्चन पांच नंबर का होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, और आप ऐसे फोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था, चलो इसी का क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, पांच का ही टू है, ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। लेते हैं एल एच एस कोस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो पहला काम क्या करेंगे बच्चा, वही एलसीएम लेंगे, वन प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब इसको इसको इससे भागा दोगे तो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या कोस ए, कोस ए गुना कोस ए तो क्या हो जाएगा बच्चे बटे कोस स्क्वायर ए, और इसी तरह ये पूरे को कोस से भागा दोगे तो कोस कोस कट जाएगा, तो वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए गुना हो गया हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सही है, अब आप क्या करो ए प्लस बी पर होल स्क्वायर की फॉर्मूला लिख दो, कोस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ना क्या होता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बाकी ये जो है नीचे उसको तो रख ही दे रहे हैं हम लोग। यहां पे फॉर्मूला में लिख देता हूं बच्चा, चूंकि ए प्लस बी पर होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हर एक फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे उस सारे ब्रैकेट में चुकी करके लिख देना है। ठीक है, अगर आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हो तो ये करेक्ट, ये जो टॉपरों का होता है ना वो लक्षण होता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप अगर इस चैनल से पढ़ रहे हो यार तो आप टॉपर तो होगा ही, इसीलिए पढ़ रहा है ना। तो चलो देखो यहां, ये जो साइन स्क्वायर ए है बच्चा और ये जो कोस स्क्वायर है, ये दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दोनों जोड़ में है तो किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कि वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा वन, और यहां पे टू गुना वन तो टू, टू गुना साइन हो जाएगा टू साइन ए बटे नीचे क्या है, नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए वन प्लस साइन ए इंटू कोस। अब यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा वन लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, और ए प्लस वन तो है प्लस टू साइन ए बटा वन प्लस साइन ए इंटू कोस। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला जो इस्तेमाल आया हमारा इतना बराबर वन, सही है ना। तो वन प्लस वन बच्चा क्या होगा टू प्लस टू साइन ए बटा क्या वन प्लस साइन ए इंटू कोस। तो आप देखो दो दो दोनों जगह है तो दोनों को आप दो दोनों से दो कॉमन कर लीजिए, तो यहां क्या बचेगा वन और यहां बचेगा साइन ए बटा नीचे बचेगा वन प्लस साइन ए इंटू कोस। तो बच्चा एक बात आप देख रहे हो ना, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा देखो, ऊपर में बचा दो और नीचे बचा क्या कोस ए, और आपको पता है ना एक बटे कोस ए को आप क्या लिख सकते हो सेक ए, तो टू सेक ए यहां पर लिखते हैं वन बटे कोस ए बराबर होता है सेक ए, और यही हमको लाना था बच्चा जो कि हो गया प्रूफ्ड। देखिए यही हमको लाना था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू था, बड़ा सिंपल है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली सिंपल क्या करना है आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको जोड़ घटा गुणा भागा एलसीएम वगैरह अच्छे से आना चाहिए, और अगर कर गए
तो बस तबाही कर गया। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री को। तो बच्चा हम आ गए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, कह रहा इतना बराबर इतना को सिद्ध करना है। ठीक है, तो बिना किसी लेट का शुरू करते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसको थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आपका कैलकुलेशन तगड़ा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए कैलकुलेशन में। इसी को लेकर इसको मैं ठीक ठाक बोला हूं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे क्या है। इधर चाहिए क्या बच्चा? सेक थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का होता है ना, वन बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहाँ पे क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? वन बटे साइन थीटा का। तो आपको पता चल गया करना क्या है। तो इसको पहले ना आंख बंद करके बिना ज्यादा दिमाग लगा के साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखना है। तो टेन थीटा को बच्चे क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और यहां वन माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? कोस थीटा बटे साइन थीटा। प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? कोस थीटा बटे साइन थीटा। बटे वन माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और फॉर्मूला दो को लिखा हमने, टेन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और दूसरा क्या फॉर्मूला लिखा बच्चा? कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, उसको हम लोग साइड में लिख लिए। ठीक है, अब यहां करेंगे क्या बच्चा? ऊपर वाला तो लिखेंगे, ये मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहां पे वन ले लो, यहां पे भी वन ले लो और एलसीएम निकालो। तो देखो क्या होगा, ऊपर में साइन थीटा बटे कोस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा, जो कि यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और इसी तरह इधर अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या होगा? देखो यहां पे आएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि ऊपर वाला है। और नीचे अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या होगा? ये होगा कोस थीटा आएगा। ठीक है बच्चा, कोस थीटा नीचे लेंगे वन और कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा? कोस थीटा। और यहां पे हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चा, बैठे आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। अब क्या होगा? ये साइन थीटा के साथ गुणा होगा और ये कोस थीटा के साथ गुणा होगा और ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में गुणा होगा। तो देखो क्या होगा, तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? साइन स्क्वायर थीटा बटे यहां पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और ये वाला जो कोस थीटा है वो यहां पे गुना होगा। एक बात यहां पे आपको मैं सिखा रहा हूं, कोस थीटा गुना कोस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ये नहीं सिखा रहा था, सिखा रहा हूं। देखो यहां पे आप देखोगे ना बच्चा बैठे, इसको देखो आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जबकि यहां पे आप देखोगे ना तो यहां पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब यदि माइनस यहां से बाहर निकाल लिया जाए ना तो ये भी वही बनेगा जो यहां पे है ना। तो हम लोग वही करते हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहां पे प्लस था, माइनस बाहर निकालेंगे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और गुना क्या होगा बच्चा? ये जो को ये जो साइन थीटा है वो यहां पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे करना क्या है बच्चा बाटे, कि जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, मतलब ये पूरे का एलसीएम निकालना और बिन का जोड़ फिर से निकालना। चलो निकालते हैं। तो एलसीएम लेकर क्या आएगा बच्चा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरा बच्चा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और अब अगर आप निकालोगे तो देखो क्या होगा, इसको इतना से भागा करो, इसको अगर इतना से भागा करेंगे तो ये एक कट जाएगा, कोस कोस भी कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करेंगे तो मेरा कितना आएगा बच्चा? ये आएगा साइन क्यू थीटा माइनस, अब इसको ये पूरा को इससे भागा करो, ये दोनों तो कट गया, साइन से साइन भी कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा। और कोस थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा बच्चा कितना आएगा? कोस क्यू थीटा। ठीक है बच्चा, समझ में आया था? अब यहाँ पे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, सवाल हो जाएगा थोड़ा। देखो
एक ही माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोस तो कोस प्लस बटा नीचे क्या होगा, नीचे तो वही होगा सारी जगह माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन। अब बच्चा अच्छा बात यहां पे ये आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला आइटम और ये वाला आइटम देखो दोनों बराबर है खड़े हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चा, एक होता है। बार बार इसको साथ में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझदार हो गया है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट इसको, इसको क्या लिख दिया वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, बट नीचे में क्या है बच्चा, कोस थीटा इंटू साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको अलग अलग भागा देगा, अलग अलग भागा देगा। वन को दे रहे हैं किससे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से भागा, और यहां पे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा को भागा दे रहे हैं किससे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बार है वन बार में। और आपको पता है कि वन बटे साइन थीटा क्या होता है बच्चा, कोसेक थीटा, और वन बटे कोस थीटा बच्चा क्या होता है, सेक थीटा। ये वन को पहले हम लिख रहे हैं वन यहां पे, उसके बाद वन बटे साइन थीटा, वन बटे कोस थीटा क्या लिख सकते बच्चा, सेक थीटा इंटू वन बटे साइन थीटा क्या लिख सकते बच्चा, कोसेक थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला जो आपने लिखा उसको लिख दो, वन बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा, और वन बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है बच्चा, और यही हमको लाना था, यही हमको लाना था, जो कि ओके समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चा 5 का। चलो आगे देखते हैं, तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच आ गया है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं, एलएचएस लेते हैं, वन प्लस सेके बटे से, तो वन प्लस सेके को क्या लिखेंगे बच्चा, वन बटे कोस, और इसी तरह नीचे वाला सेके को भी क्या लिखेंगे, वन बटे कोस। यहां फॉर्मूला लिख दीजिए, चूंकि से ए बराबर वन बटे कोसे होता है। अब यहां पे ऊपर में ना एलसीएम निकाल लेंगे, तो एक और कोसे का एलसीएम कितना निकलेगा बच्चा, कोसे। तो यहां पे अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कुछ इस प्रकार निकलेगा, नीचे क्या है वन बटे कोसे, ये कोसे से ये कोसे कट जाएगा, और बच्चा देखो क्या बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा, वन प्लस कोसे, सिर्फ यही बचा, और नीचे क्या बचा, वन। लेकिन हमको इतना चाहिए क्या, नीचे देखो हमको क्या चाहिए, वन माइनस कोस, जबकि नीचे है क्या बच्चा, वन। तो ये वन को वन माइनस कोस से कैसे करेंगे बच्चा, तो सिंपल है ना, आपको पता है क्या करेंगे, वन माइनस कोस ऐसे इसको क्या करो, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दो। ठीक है, वन माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, वन प्लस कोस इंटू वन माइनस कोस, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो वन माइनस कोस को वन से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, इतना ही आएगा। फॉर्मूला ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वन का स्क्वायर बच्चा कितना होगा वन, और कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर ही रहेगा बटे वन माइनस कोस। क्या यही चाहिए क्या, नहीं। यहां पे क्या चाहिए बच्चा, साइन स्क्वायर। तो आपको पता है ना, वन माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है, वन माइनस कोस। यहां पर फॉर्मूला लिख दीजिए, वन माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, और यही हमारा आर एच एस के बराबर हो गया बच्चा, जो कि हो गया प्रोडक्ट। तो ये वाला छोटा सा बच्चे वाला क्वेश्चन था, है ना, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के और आ गए हैं बच्चे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सरसवी का कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके इतना बराबर इतना सिद्ध करो। आप क्वेश्चन खुद ही देखो, आपका किताब तो होगा ही, तो चलो बनाते हैं इसको, लेते हैं एलएचएस, एलएचएस कोसेक
माइनस साइन ए प्लस वन बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन। और इस क्वेश्चन को ना बच्चा बोलता है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो बोला गया है, जो आपको बताया गया है, उसका अगर इस्तेमाल नहीं करते हो ना, थोड़ा सा ई बड़ा चल जाएगा ना बहुत बार, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, टेंशन बहुत रहता है, तो बहुत बार बच्चा बना भी नहीं पाता इसको, है ना। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको आप फॉलो करो, यू बना दोगे ना, बहुत बढ़िया चीज नहीं है, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, लेकिन उसका जो तरीका है बनाने का वो अगर नहीं पकड़ पाए, अगर कोई अपने धुन में चले गए तो आपको हो सकता है क्वेश्चन फंसा, कोई टेंशन नहीं। आप देखो यहां पे देखिए क्या चाहिए आपको, कोट चाहिए ना, कोट, तो कोस को किससे भागा देंगे तो कोट आएगा, सोच के देखो कोट बराबर क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए, मतलब साइन से आपको भागा देना पड़ेगा ना, तो यहां पे लिखते हैं साइन ए से भाग देने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो अंश तथा हार में साइन ए से भाग देने पर, या डायरेक्ट भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो देखते हैं कोस ए को क्या करते हैं बच्चा, साइन ए से भागा देते हैं, सबको देते हैं साइन ए से, ठीक है। ये ऊपर वाला था, ऊपर वाला इस तरह नीचे वाला कर रहे हैं, कोस ए को साइन ए से भागा दे रहे हैं, साइन को भी साइन से भागा दे रहे हैं, और वन को भी साइन से भागा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, उम्मीद तो करता हूं दिक्कत नहीं होगा आपको। अब कोस ए बटे साइन ए को क्या लिख सकते हो बच्चा, कोस ए बटे साइन ए को क्या लिख सकते हो, कोट। तो बच्चा कोस ए बटे साइन ए को क्या लिख सकते हो, कोट ए, लिख दिया, ये साइन ए और साइन ए कट जाएगा कितना बार में, वन बार में, तो यहां पे माइनस वन आ जाएगा, और वन बटे साइन ए को बच्चा हम लिख सकते हैं कोस ए के, और इसी तरह नीचे इसको कोट ए ये कट जाएगा तो कितना आएगा वन, और उसको कोस ए, कोट ए प्लस वन माइनस कोस ए। यहां पे आपने कितना फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एक इसके लिए और एक इसके लिए, दो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया, लिख दो, चूंकि कोस ए बटे साइन ए बराबर बच्चा कोटे होता है, और दूसरा क्या होता है वन बटे साइन ए बराबर कोस ए, कोई टेंशन तो नहीं है ना, एकदम होले होले से सवाल को घायल कर देगा, है ना, सवाल का पोस्टमार्टम धीरे धीरे होले होले करके फोड़ दे। तो चलिए आप देखो यहां पे करना क्या है बच्चा, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, इसको बाद में और ये दोनों को साथ में लिखते हैं, कोट ए प्लस कोस ए के माइनस वन बटा कोट ए माइनस कोस ए के प्लस वन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। अभी जो माइनस वन है ना बच्चा, इसी यहीं पे लोग फंसता है, ये माइनस वन का जो मान है ना वो ना बिठाकर वो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, और फिर हो जाता है समस्या, और समस्या ये होता है कि बहुत बार बच्चा फेल हो जाता है इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन आपको फेल नहीं होना है, बिकॉज यू आर ए रैंकर, है ना, यू हैवंट फेल। तो चलो क्या करना है आपको, देखो क्या करना है आपको, कोट ए प्लस कोस ए के माइनस वन है, जो माइनस वन है ना इसको हम लोग लिखेंगे, क्या जो कह रहा है हमारा क्वेश्चन, खुद ही लिखो इसको, क्या लिखने कह रहा है देखना, अभी तुरंत लिखते फिर बताते हैं, कोट ए प्लस कोस ए के माइनस जो वन है ना बच्चा, इसको लिखते हैं हम लोग कोस ए स्क्वायर ए माइनस कोट ए स्क्वायर, और बाकी नीचे जो है उसको आप वैसे ही रखें, ठीक है बच्चा। यहां पर हम लोग लिखते हैं चूंकि कोस ए स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है, ये फॉर्मूला जानते हो ना, हमारे क्वेश्चन में भी बोल रहा है क्या कि आपको पता है कि कोस ए स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोस ए स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए को इधर ले आओगे तो क्या होगा, माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा बच्चा वन, है ना। तो इस वन को मैं इतना लिख सकता हूं, क्वेश्चन में इसलिए बोला है कि इतना बराबर इतना का इस्तेमाल करके बनाइएगा इस सवाल। तो देखो अब यहां पे देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका फंडा लगाना पड़ेगा और इसका फंडा लगा के भाग देना, ठीक है। तो देखो बच्चा कॉट ए प्लस कोस ए है, इसको लिख दो यहां पर,
माइनस ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को बच्चे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठाओ, जो कि होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब किसी किसी क्वेश्चन स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर मैं आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं बोल सकता हूं क्या? अरे हाँ भोजू बोल सकते हो, है ना, आप बोल सकते हो, वैसे ही बोल सकते हो। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब नीचे क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस फॉर्मूला लिख देता यहां पे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू बच्चा ए माइनस बी होता है। ठीक है जी, चले अब देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए यहां भी है यहां भी है, इसको बाहर करो, देखो यहां कोट ए प्लस कोसेक ए है और यहां कोट ए प्लस कोसेक ए है, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट का खाली खेला है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो बच्चे यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा वन और माइनस यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा ये वाला चतुर्थांश कोसेक ए माइनस। ठीक है, चतुर्थांश को यहां लिख दिए, यहां पर नीचे तो वही बचेगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस, दिक्कत तो नहीं है बच्चा हमारा, देखो जो चाहिए ना यहाँ पे वो आ चुका है, बस थोड़ा सा काम ये करवाएगा आपसे। अब ये जो माइनस है ना माइनस को अंदर भेज दे, तो वह ये प्लस है माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा और ये माइनस है तो माइनस होना माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह यहां पे ये लिखा गया है ना, क्या मैं इसको भी लिख दूं बच्चों, वन उसके बाद माइनस कोसेक ए फिर प्लस कोट ए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्लस माइनस में आप लिख सकते हो ना, ये दोनों आपस में क्या हो गया बच्चा कट गया। तो देखो क्या आया कोट ए प्लस कोसेक ए, आपको चाहिए क्या कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना, ए प्लस ए अगेन क्या है जोड़ में, इसको हम उल्टा के लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक ए प्लस कोट ए और यही आपको चाहिए बच्चा, जो कि हो गया प्रूफ। मजा आया कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इस चैप्टर का, जो कि अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तो भाई देख लो ये अच्छा था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच, चलो इसको देखते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो देखिए बनाएंगे तो इसको बाद में, लेकिन पहला अपने को जो करना है बच्चा वो ये करना है कि इसको जो अंडर रूट के अंदर ना वर्गमूल के अंदर ये जो चिन्ह है ना इससे बाहर निकालना है इसको, और इससे बाहर कैसे निकालेंगे पहले इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर ये बाहर आ गया फिर हमारा काम बनेगा, तो कैसे आएगा, तो पहले यहां पे देखो चाहिए क्या आपको, सेक चाहिए ना, से का उल्टा क्या होता है, सेक ए का उल्टा क्या होता है 1/cos, टेन ए को क्या लिख सकते हो साइन 1/cos, मतलब नीचे देख रहे हो कोस है, इसका मतलब क्या है समझ में आया, इसका मतलब है इसको कोस में लाना है, और इसको कोस में लाने के लिए बच्चा आपके पास एक मस्त वाला तरीका है, और ये है कि इसको परिमेयकरण कर दो। ठीक है, 1 माइनस साइन ए है ना, इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर रहा है बच्चा गुणा कर रहा, सही है ना, 1 प्लस साइन ए से बच्चे का ये ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा बच्चा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है बच्चा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी तरह का दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि आपको होना चाहिए, यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, देख लो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है त्रिकोणमिति को बनाने के लिए, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना फॉर्मूला है ना, ज्यादातर फॉर्मूला ज्यादातर क्वेश्चन को बनाने में ये फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होता है। तो देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो रूट के अंदर होल स्क्वायर रहता है तो क्या होता है बाहर आ जाता है ना, और ये 1 स्क्वायर को 1 और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकता है। अब देखो बच्चा 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट
वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो नीचे लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो वन प्लस साइन ए बटे कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बच्चा, कोस ए, क्या लिख सकते हो, कोस। अब आप क्या करो, अलग अलग भाग लेते, वन बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो वन बटे कोस ए का मान कितना आएगा बच्चा, सेक ए, और साइन ए बटे कोस ए को आप क्या लिख सकते हो, टेन ए। फॉर्मूला लिख दो, चूंकि वन बटे कोस ए बराबर सेक ए और साइन ए बटे कोस ए बराबर टेन, ठीक है बच्चा। और यही आपको लाना था, बस हो गया, लास्ट में लिख दो अंग्रेजी में, मस्त लेटर प्रूव्ड हो गया ना, ये क्वेश्चन हमें सीखता। औकात देख रहे हो जीरो है ना, औकात जीरो है। तो बस आप डरना नहीं यार, कोई भी क्वेश्चन है ना, जो मैं फॉर्मूला है, जो आपको तरीका बताया हो, जो आपको मैं ट्रिक्स बताया हूं, टिप्स बताया, जो भी आपको मैं थ्योरी क्लासेस में बताया हूं, उसको यदि आप डिट्टो 100% लगाना सीख गया ना यार, क्या ये सारा क्वेश्चन है यार, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आता है। अब जब एलिमेंट में आओगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि इससे अच्छा अच्छा ये सब तो कुछ भी नहीं है, बाबू है, इसका पप्पा लोग आएगा और ऐसे बना दूंगा, सिंपल बहुत है। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चा हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखो यही है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही स्वीट है, देखना कैसे बनेगा ये। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटे टू कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या कुछ घंटी बजा, आपको दिमाग में एक चीज तो घंटी बज जाना चाहिए कि यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है, यहां भी कोस थीटा है, यहां भी कोस थीटा है। तो ऊपर से आप क्या करो, साइन थीटा को खोपड़ी पकड़ के बाहर निकालो, और नीचे से भी कोस थीटा को क्या करो, उसका झोड़ा पकड़ के बाहर निकालो, ठीक है। कितना निकलेगा, तो एक ही तो है, जो दोनों में वही निकालो। तो ऊपर से अपन साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं, यहां क्या बचेगा वन, और यहां बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा, तीन को दबा एक बार निकाले तो दो बचा, और ऐसे ही नीचे भी क्या करेंगे, कोस थीटा बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा टू, यहां पे तीन कोस थीटा था, तो अब बचेगा कितना, दो कोस थीटा, और यहां तो माइनस वन। तो आप देख रहे हो ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है बच्चा, टेन थीटा, मेरा आ गया रिजल्ट। बस करना क्या है, ये जो कचरा दिख रहा है ना कचरा, इसको हटाने के बारे में अपने को सोचना है ना। और आपको पता है यार कैसे हटेगा, कैसे हटेगा पता है, आप क्या करो, साइन को या तो कोस बना लो, या फिर कोस को साइन बना लो, मतलब समझ में आया, मतलब एक को फिक्स रखो और दूसरा को बदल दो। चलो बदल के देखते हैं आपको, देखा कैसे बदला गया, ऊपर में अब मैं इसको एक काम करूं, लिख दूं क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, मैं लिख ही देता हूं टेन थीटा, वन माइनस, अब ये टू है ना, टू को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं वन माइनस कोस थीटा, ठीक है बच्चा। और नीचे हमारा क्या है, कोस थीटा इंटू, इसको वैसे रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहां फॉर्मूला दो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, पहला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। चलो देखो, नीचे तो कोस थीटा का टेन थीटा लिख दिया था हम लोगों ने, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा हम लोग टेन थीटा लिख दिया था ना, अब कोस थीटा को लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चा, टेन थीटा, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस टू गुना माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू गुना कोस का थीटा हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचे क्या होगा, देखो नीचे तो वही होगा जो है टू कोस का थीटा माइनस वन टेन थीटा। अब देखो बच्चा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, टू कोस स्क्वायर थीटा वन में माइनस टू कटेगा कितना बचेगा माइनस वन बटे नीचे क्या टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये दोनों बच्चे कट जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा टेन थीटा है, जिसको हमें चाहिए, जो हमें चाहिए ना। अब हो गया,
तो देखा ना इतना छतुंदर टाइप का क्वेश्चन था, बकवास क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ही बेकार है, बस आपको डरवा के रखा है, आपने फोबिया में बन के रखा है। तो आपको क्या करना है ना, वो जो डर है ना, डर उससे बाहर निकलना है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं यार। दिमाग को एक बात हमेशा बोलो, जब भी आपको डर भी लगेगा, इवन कोई भी चीज बड़ा भी होता है ना, फिर भी दिमाग को आसान है, आसान है, ये फॉर्मूला याद रखो, आसान है, एवरीथिंग इज इजी, आसान है ये कंसेप्ट, अगर दिमाग लेके चलेगा ना तो सच में आपको आसान लगेगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, जो कि है साइन ए प्लस कोस ए पर होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस ए पर होल स्क्वायर बराबर इतना करना है। ठीक है, बिना किसी लेट का शुरू करते हैं। तो बच्चा अब क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन एलएचएस लिख सकते हो बच्चा, देखो साइन ए इनटू कोस ए का मान कितना होगा, बोलो साइन ए इनटू कोस ए का मान कितना होगा, 1। इसी तरह कोस ए इनटू साइन ए का मान कितना होगा बच्चा, 1। तो आप इसको यहां पे लिखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 2, इतना का मान तो 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस कोस ए स्क्वायर ए। इसी तरह इसको मैं लिख रहा हूं कोस स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कोस ए इंटू सेके, तो कोस ए इंटू सेके का मान क्या होता है बच्चा, 1 होता है, तो 2 गुना 1 प्लस हमारा क्या है सेक स्क्वायर। तो यहां पे जो फॉर्मूला आपने लिखा उसको लिख दो, चूंकि साइन ए इंटू कोस ए का मान कितना होगा बच्चा, 1, और इसी तरह कोस ए इंटू सेके का मान कितना होगा बच्चा, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, उम्मीद करता हूं दिक्कत तो नहीं होगा आपको। अब आप क्या लिखने वाले हो, अब इसको और इसको एक साथ लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है बच्चा। उसके बाद ये 2 गुना 1 तो 2, और यहां पे 2 गुना 1 तो 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चा, 4 प्लस यहां पे कोस स्क्वायर है प्लस यहां पे सेक स्क्वायर। अब देखो बच्चा आपको चाहिए कितना, आपको 7 चाहिए, यहां मिला कितना 4, आपको चाहिए 10, यहां पे है क्या कोसेक, चाहिए कोट, यहां पे है सेक, मतलब कोसेक और सेक तो नहीं चाहिए है ना, और ये भी चाहिए नहीं, इसको मैं क्या लिखता हूं पहले 1 प्लस 4 प्लस कोसेक स्क्वायर, एक और मैं लिख सकता हूं बच्चा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसी तरह सेक स्क्वायर एक और लिख सकते हैं बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या कितना फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इसके लिए एक, इसके लिए और एक, इसके तो 3 फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पे लिखा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या था, sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो कि 1 होता है, इसको लिखा। दूसरा क्या लिखा बच्चा, cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, और तीसरा लिखा हम लोगों ने sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या फॉर्मूला आपका आ ही गया है, देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो 7 का 7 लिखो प्लस टेन स्क्वायर, वहां पहले है तो टेन स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूं टेन स्क्वायर है, उसके बाद कोट है तो कोट लिख देता हूं कोट स्क्वायर है, और यही तो चाहिए बच्चा तुमको, चाहिए कि नहीं, तो हो गया बस प्रूफ। देखा कितना सिंपल है, और लोग बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता, यहां पे क्या क्या ए प्लस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला पे लिखा, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने लिखा, फिर इसके लिए फॉर्मूला लिखा, मतलब इसके इसके लिए इसके इसके लिए फॉर्मूला लिखा, बल्कि 3 बार फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन अपने आप अपने औकात में आ गया, समझ लोगे नहीं।
क्वेश्चन सारा औकात में ही है। परेशानी ये है कि हम अपने औकात को छोटा समझ लेते हैं और इसीलिए जो अगला होता है ना अगला का औकात बढ़ जाता है। तो अपने औकात को इतना बड़ा बना के रखो तुमने यार, क्वेश्चन का एटीट्यूड बड़ा सिंपल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 9 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि दिया है, देख लो इतना सिद्ध करना है। तो शुरू ही कर देते हैं डायरेक्ट। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हो बच्चा आप, 1/2 साइन ए माइनस साइन ए, और वैसे सेक ए को बच्चे क्या लिख सकते हो, 1/2 कोस ए और माइनस कोस ए तो है। यहां पे फॉर्मूला लिख दीजिए, क्योंकि कोस से ए बराबर 1/2 साइन ए और सेक ए बराबर क्या होता है बच्चा, 1/2 कोस ए। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, भिन्न का जोड़ निकालेंगे, ठीक है बच्चा। तो बच्चे बड़े देखो यहां पर निकालते हैं भिन्न का जोड़। तो साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, साइन ए आएगा, साइन। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए गुना साइन ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये क्यों हुआ गुना, तो आपको पता है एलसीएम ले रहे हैं इसलिए हुआ। और इसी तरह कोसे और 1 का एलसीएम लेंगे बच्चा, तो हो जाएगा हमारा क्या, कोसे। यहां भी हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने किया। अब क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बच्चा, कोस स्क्वायर ए। तो हम वही कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख रहे हैं कोस स्क्वायर ए, बटे साइन ए तो है नीचे, गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो कोस ए। यहां पर लिख दो फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो आप एक कोस से एक कोस को कटा दो, एक साइन से एक साइन को कटा दो, तो बचेगा क्या बच्चा, ऊपर में साइन ए इंटू कोस, तो यहां बचेगा साइन ए इंटू कोस, और नीचे क्या बचेगा बच्चा, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब आप समझना अच्छे से, हमको चाहिए क्या, ये चाहिए टेन ए प्लस कोड ए चाहिए, क्या यहां पे है, जी नहीं, तो कोई बात नहीं, खोपड़े एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना, तो लगा देते हैं। चलो देखो कैसे, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए जो दिया है बच्चा, ये तो वैसे लिख दो, 1 तो मैं लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, बोलो, इसलिए मैं नीचे 1 लिखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, हाँ जी होता है, लिख दिया मैंने। अब देखिए बच्चा क्या करेंगे ना, इसको भागा देंगे, ऊपर हर अंश को और नीचे हर को, दोनों को भागा देंगे किससे, साइन ए कोस ए, तो लिखते हैं साइन ए कोस ए से भाग देने पर। तो बच्चा भाग देने पर क्या होगा, साइन ए इंटू कोस ए को भागा दे रहे किससे, साइन ए इंटू कोस ए से। इसी तरह नीचे जो है बच्चा साइन स्क्वायर ए से भागा दे रहे हैं साइन ए इंटू कोस ए को, साइन स्क्वायर ए को भागा दे रहे हैं साइन ए इंटू कोस ए से, और इसी तरह कोस स्क्वायर ए को भी भागा दे रहे हैं साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है बच्चा। ये दोनों कट जाएगा, ऊपर वाला जाएगा, ये साइन से एक साइन कट गया, कोस से एक कोस कट गया, तो ऊपर में बच्चा क्या बचा, 1, और नीचे में क्या बचा, देखो यहां पे साइन ए का बचा है और यहां क्या बचा है, कोस। वैसे ही बच्चा यहां पे देखोगे तो 2 कोस ए था, एक तो कट गया तो एक तो कोस में बचा है, और नीचे क्या बचा है बच्चा, साइन ए 1/2 साइन ए बटे कोस ए को क्या लिख सकते हो आप, टेन ए, और इसको क्या लिख सकते हो, कोट ए। अब यहां फॉर्मूला लिख दो, चुके साइन ए बटे कोस ए बराबर टेन ए, और कोस ए बटे साइन ए बराबर, ये फॉर्मूला होता है, और यही चाहिए आपको, लिख लो वहां पे फॉर्मूला जो लाना था हमको, यही चाहिए कहा, यहां से हो गया आरएचएस बच्चा, और इस प्रकार ये हम लोग गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, इस एक्सरसाइज का एकमात्र लास्ट क्वेश्चन बच गया है, चलो उसको भी पोस्टमार्टम कर ही देते। तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन है 10 जो कि इस एक्सरसाइज का और चैप्टर 8 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 4 स्क्वायर ए बराबर इतना,
और इतना को भी इतना लाना है, तो चलो देखते हैं कैसा होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कोट स्क्वायर। बच्चा वन प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं सर्वसंख्या। और वन प्लस कोट स्क्वायर ए को भी बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब सेक स्क्वायर ए को बच्चे क्या लिख सकते हो, वन बटे कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को बच्चे क्या लिख सकते हो, वन बटे साइन स्क्वायर। यहां पर लिख लो चुकी सेक स्क्वायर ए बराबर वन बटे कोस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन बटे साइन स्क्वायर। इसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, नहीं होना चाहिए। आप देखो वन बटे कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या है, वन बटे साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर वन से गुना हो जाएगा और कोस स्क्वायर ए के साथ ए वाला वन गुना हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए गुना वन बटे कोस स्क्वायर ए गुना वन, साइन स्क्वायर ए गुना वन, तो साइन स्क्वायर ए होगा और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो साइन ए बटे कोस ए क्या होता है बच्चा, टेन ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। लिख दो टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला लिख दो चुके, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए बराबर क्या होता है बच्चा, ये होता है टेन ए, लेकिन स्क्वायर था तो यहां पर स्क्वायर, और यही हमको लाना था बचवा। समझ में आया बच्चों, यही हमको लाना था। देखो कितना बकवास बकलोल क्वेश्चन था, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखा है यार, सिंपल सिंपल है ना। चलो इसी का पार्ट टू ले लेते हैं। तो बच्चा ये वाला जो इसी का पार्ट टू है वो क्या है, वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस फोर ए पर होल स्क्वायर है, और इसको लाना है। इसमें ना दो क्वेश्चन को मिला दिया, मिक्स कर दिया, वो दिया है ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर बटे वन प्लस फोर स्क्वायर बराबर इतना, और इतना को बराबर इतना करना है, तो दो क्वेश्चन मिलाया गया है। इसमें कुछ करना नहीं है बच्चा, साइन ए बटे कोस ए में तोड़ना है पहले, वन माइनस टेन ए को क्या लिखना है, साइन ए बटे कोस ए, और ऊपर में भी वन माइनस कोट ए को क्या लिखना है, कोस ए बटे साइन ए। फॉर्मूला लिख दीजिए, और इसी तरह कोट ए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, अब हम भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं, देखो इधर क्या होगा, भिन्न का जोड़ वन और कोस ए का भिन्न का जोड़ निकालेंगे क्या होगा, ये दोनों का वर्ग है ना, तो वर्ग कर दो, देखो इसमें खोपड़ी पे वर्ग है, तो लगेगा कोस ए और यहां आएगा कोस ए माइनस साइन ए। इसी तरह नीचे भी क्या करेंगे, वन और साइन ए का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आएगा साइन ए, जो कि यहां पे आएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसके पूरे खोपड़ी पे क्या है बच्चा, वर्ग है, तो हम यहां पे दे देते हैं क्या, वर्ग। ठीक है, तो अब देखो बच्चा क्या है, यहां पे देखो क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, और यहां पे क्या है, साइन ए माइनस कोस ए। एक काम करते हैं ना, यहां से माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो माइनस को अगर बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, आपको पता है, बटे कोस ए। नीचे क्या है, साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए, और इसका क्या है बच्चा, वर्ग, तो लिख देते हैं वर्ग। अब आप बताना, माइनस में भी वर्ग है ना, तो माइनस पे अगर वर्ग रहेगा तो माइनस पे वर्ग का मतलब क्या हो गया, माइनस दो बार गुना करना है, तो माइनस गुना माइनस जो कि हो जाएगा प्लस, वर्ग ये जो माइनस है हट जाएगा, और यहां पे देखो बच्चा कुछ इस प्रकार दिखेगा, क्या दिखेगा, साइन ए माइनस कोस ए गुना ये साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा बच्चा साइन ए माइनस कोस ए गुना में आएगा क्या, ये वाला कोस, और इसका अभी क्या है, वर्ग है, तो वर्ग माइनस जो था माइनस का वर्ग देके प्लस कर दिया उसको, ठीक है, तो ये दोनों आपस में था कट गया, देखिए बराबर था कट गया। अभी साइन ए बटे कोस ए को क्या लिख सकते हो, तुम टेन ए लिख सकते हो ना, बोलो भाई लिख सकते हो, यहां पे लिख दो चुके, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। तो देखिए बच्चा टेन ए का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही तुमको चाहिए था, ठीक है बच्चा, जो कि हो गया।
तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.4 का बच्चा पूरा 5 नंबर का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हम लोगों ने फोड़ दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। क्या मजा आया? यदि मजा आया तो आप इस मजा को खुद के साथ ना रखकर अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। आप इस चैनल का जो वीडियो है उसको जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो में बताए गए अनुसार लाभ उठा पावे और वो भी आने वाला मैट्रिक बोर्ड में फोड़ देवे, समझ लो। तो इसके लिए आप शेयर कर दो। बाकी और क्या है, मिलो अच्छे से, मतलब अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो, जहां भी हो अच्छे से मेहनत करो, अपने समय का बड़ी कद्र करो, समझ लो। समय का कद्र करना बहुत जरूरी है, इसलिए समय का कद्र करके मेहनत ताबड़तोड़ कीजिए और ऐसा मेहनत करो ना, ऐसा मेहनत करो कि दुनिया वाले बनना चाहे तुम्हारे जैसा, समझ लो। हर दुनिया वाले तेरे जैसा बनना चाहे, इसलिए ऐसा मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो और बाकी क्या है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।